हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी हम शेप में कैसे ऐड कर सकते हैं नोट्स को सेंटर में। इसके लिए सबसे पहले हम कोई शेप लेंगे, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, एलिप्स, कोई भी। हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं, रेक्टेंगल टूल बना लेते हैं हम कोई। हमने रेक्टेंगल बनाया, इसमें हम देखते हैं रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं। हम और नोट्स ऐड करना चाहते हैं तो हम इसके लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हम जाएंगे पाथ में। पाथ में जाएंगे हम ऐड एंकर पॉइंट में। ये हम देख रहे हैं हमारी नोट्स जो आई हैं वो 4 और आ गई हैं और बिल्कुल सेंटर में आई हैं, और हम चाहते हैं एक्स्ट्रा नोट्स और आए नोट के सेंटर में। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में गए, पाथ में जाएंगे और ऐड एंकर पॉइंट में आएंगे, हमारी और नोड्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, इस वाली नोड को पकड़ते हैं, शिफ्ट के साथ अप एरो दबाते हैं और इसमें शिफ्ट के साथ ये नीचे वाली नोड पकड़ते हैं, शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाते हैं और हम लेफ्ट साइड वाली नोट पकड़ते हैं, सेंटर वाली, शिफ्ट के साथ बाहर वाली नोट दबाते हैं, इसमें शिफ्ट के साथ राइट वाली नोट दबाते हैं। ये हमारा बन गया, और हम चाहें तो इसमें हम राउंड कॉर्नर्स भी कर सकते हैं। हम चाहें और भी नोट्स बना सकते हैं किसी और शेप में भी, किसी दूसरी शेप पे आपको हम बनाकर दिखाते हैं। और हम यहाँ से लेते हैं एलिप्स, हमने एलिप्स बनाया शिफ्ट के साथ। इसमें देखिए हमारा 4 नोड्स है। 4 नोड्स में मैं गई ऑब्जेक्ट में, मैं पाथ में गई और ऐड एंकर पॉइंट किया। यहाँ पे हमारे आ गए 4 और नोड्स, सेंटर में आए हैं। इफेक्ट्स में गए, इफेक्ट्स में जाने के बाद मैं गई डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में। इसके बाद मैं गई पकड़न ब्लॉट में और मैंने रिव्यू ऑन किया और ब्लॉट की तरफ हो गई। ये अब देखिए, और इसको ओके कर दिया। देखिए किस तरीके से बना। और मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको एलिप्स लिया, इसी में और नोड्स ऐड करी और इफेक्ट में गई, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में और पकड़ में गई। ये देखिए, मैं पकड़ की तरफ को जाऊंगी तो देखिए, देखिए मैंने नोड्स ऐड करने के साथ ही कितने सारे और कितने तरीकों से कैसी कैसी शेप्स बना दी, कितनी अट्रैक्टिव और कितनी न्यू शेप्स बना दिए सिर्फ नोट्स ऐड करने से ही। थैंक यू।